हाय फ्रेंड्स, माय नाम है सतीश एंड आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सो जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको डेली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ देता हूं एंड आपको बताता हूं कि आखिर टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, ताकि आप सभी से स्मार्ट हो सके। अगर आप दिन में 2 मिनट निकालेंगे हमारे वीडियो को देखेंगे तो आपका इसमें कुछ नहीं जाएगा, बाकी आपका जो माइंड है इम्प्रूव होगा, नॉलेज आपका इम्प्रूव होगा। जो पहला आज का न्यूज़ आ रहा है वो गूगल की तरफ से। अब गूगल में आपको सटीक आंसर मिल जाएगा, मींस अगर आप एग्जांपल पे आपको बता रहे हैं, जैसे अगर आप गूगल में लिखेंगे 10+5 कितना होता है, तो वो आपको आंसर दे देगा कि 15। और अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि दिल्ली का मौसम क्या है, तो वो आपको सटीक में देगा कि आज का दिल्ली का मौसम इतना है, वो आपको अब सटीक आंसर दे देगा। ये गूगल का नया फीचर है जो कि बहुत जल्द आने वाला है और आपको देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद जो हमारा न्यूज़ आता है वो व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप के चीफ बिजनेस अधिकारी नीरज अरोड़ा अब ये त्यागपत्र दे रहे हैं, यानी कि अब ये अब व्हाट्सएप में काम नहीं करेंगे। इनका अब ये मानना है कि अब मैं व्हाट्सएप में काम नहीं करूँगा, अब मैं इससे बड़ा कुछ करने जा रहा हूँ। एंड ट्विटर पे इन्होंने ट्वीट करके बताया। एंड उसके बाद इन्होंने, मैं आपको बता दूँ, यह 2011 में व्हाट्सएप को ज्वाइन किए थे, व्हाट्सएप कंपनी को यह ज्वाइन किए थे और ये CEO भी बनने वाले थे और फिर भी ये त्याग पत्र दे दिए। एंड मैं आपको ये भी बता दूँ, ये इसके पहले गूगल कंपनी में काम कर चुके हैं नीरज अरोड़ा, जो कि व्हाट्सएप के बिजनेस अधिकारी हैं, जो कि अब त्याग पत्र दे रहे हैं। एंड उसके बाद जो हमारा न्यूज़ आता है वो वीवो नेक्स्ट 2 की तरफ से है। इसकी तस्वीर लीक हो चुकी है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यही स्मार्टफोन है जो कि बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला था, बट लॉन्च होने से पहले वीवो का नेक्स्ट 2 जो स्मार्टफोन है वो लीक हो चुका है। इसमें आपको 6 GB रैम, 64 GB स्टोरेज, ये सब आपको मिल जाएगा, लगभग आपको 35,000 रुपये तक मिल जाएगा। एंड उसके बाद जो हमारा न्यूज़ आता है वो फेसबुक की तरफ से। अब फेसबुक में आपको एक नया चेंजेस देखने को मिलेगा, जैसे कि आप जानते हैं कि फेसबुक पे अगर हम कोई भी पुरानी पोस्ट डाल देते हैं, अगर 1-2 साल का रहता है, 3 साल का रहता है, तो वो फेसबुक क्या करता है, उसको फिर से हमें दिखाता है, यू नो, तो वही चीज़ अब फेसबुक उसको हटा देगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी मालूम चले टेक के बारे में, उनको भी नॉलेज हो। आज की वीडियो में बस इतना, अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।